हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सुबह के भागदौड़ में बनने वाला सिर्फ 7 मिनट में ऐसा सुपर हेल्दी और टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूँ, जिसे देखते ही आप फटाफट बनाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी और हेल्दी है। तो चलिए इसे बनाना देख लेते हैं। तो इस सुपर हेल्दी और टेस्टी साथ ही इंस्टेंट नाश्ते को बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 कप सूजी। सूजी चाहे मोटी ले या बारीक, कोई भी ले सकते हैं। आधा कप डालेंगे चावल का आटा और डालेंगे इसमें तेल, लेकिन तेल को हमें अच्छे से गर्म करके डालना है, जिससे नाश्ता ज़्यादा क्रिस्पी और करारा बनेगा। तो तेल भी हमने डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो ऑयल है वो सूजी और चावल के आटे के ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दही, साथ ही डालेंगे आधा कप पानी। शुरू में हमें पानी बहुत ही देखकर डालना है, तो मैंने आधा कप ही डाला है, क्योंकि कई बार घर में दही ज़्यादा पतली भी होती है, ज़्यादा गाढ़ी भी होती है। तो दही के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें पानी कितना डालना है। अगर दही गाढ़ा है तो पानी ज़्यादा लगेगा, और अगर पतला है तो पानी कम लगेगा। लेकिन मैं जैसे इसे मिक्स कर रही हूँ, तो मुझे ये बैटर बहुत ही थिक लग रहा है, तो सूजी को भीगने के लिए भी पानी लगता है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी और डाला है, और इसे अब हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स ना रहे। मिलाने के बाद हमें इसे ढककर रखना है करीबन 5 मिनट के लिए, और अच्छे से ये भीगेगी तभी हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए इसे ढककर रख देते हैं, तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो दूसरे साइड मैंने ग्राइंडर जार लिया है, इसमें हमें डालना है 1 बड़ा बीटरूट। अब बीटरूट मतलब सेहत का खजाना दोस्तों, इसे सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और जिन्हें मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, या जिनके शरीर में खून की कमी है, वो इसे बहुत ही जल्दी रिकवर करता है, बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन में इम्प्रूवमेंट आती है, इसीलिए इसे सुपर फूड कहा जाता है। मैंने इसे काटा है, तो हाथ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेड कलर आया है, तो इसीलिए इसे सुपर फूड कहा जाता है। तो इसी से ही आज हम ये सुपर टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट होने तक पीस लेना है। बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल टुकड़े भी नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए, हमने जो सूजी को रखा था भीगने के लिए, सूजी अच्छे से फूल चुकी है, भीग चुकी है। अब इसे हमें वही ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड करना है, जिसमें हमने बीटरूट को पीसा था। यहाँ पर मैं सूजी को 2 बैचेस में पीसूंगी। तो यहाँ पर सूजी डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा ही डालना है। और ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है बिल्कुल स्मूथ पेस्ट होने तक। इसी तरीके से मैंने सारी सूजी पीस ली है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, और 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा पानी डालेंगे सोडे के ऊपर, ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, कि इसका बैटर आपको ज़्यादा पतला नहीं रखना है, और सारी चीज़ें अच्छे से पीसी हुई होनी चाहिए। अगर बैटर ज़्यादा पतला हुआ तो आपका जो नाश्ता है वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा, डोसा बनने की जगह कभी कभी वो चीला भी बन जाता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब यहाँ पर हमने नॉनस्टिक तवा ले लिया है, क्योंकि अब हम इसका नाश्ता बनाएंगे, और तवे को अच्छे से गर्म करने के बाद इसे ग्रीस कर ले, और इसके ऊपर पानी की छींटे डालकर तवे का टेम्परेचर नॉर्मल कर ले, और इसे अच्छे से पोंछ लेना है, और फिर इसके ऊपर हमें डोसे का बैटर डालना है। अब डोसे का बैटर डालते वक्त गैस की फ्लेम धीमी करके आपको बैटर एक कटोरे से डालना है, और चम्मच से इसे फैलाना है, बिल्कुल डोसे के बैटर की तरह, जिसे हम डोसा बनाते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इन सभी चीज़ का अब ध्यान रखें, जिससे डोसा अच्छा बनेगा। और इसके ऊपर हमें लगाना है थोड़ा सा बटर, आप यहाँ पर तेल या घी भी लगा सकते हैं। और इसे ज़्यादा टेस्टी चटपटा बनाने के लिए हम इसमें लगाएंगे सेजवान चटनी। वैसे आप यहाँ पर सेजवान सॉस भी लग सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर हम ग्रेट किया हुआ चीज़ डालेंगे, तो मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है, आप मोजरेला चीज़ भी ले सकते हैं। अब डालेंगे खूब सारी सब्जियाँ,
मतलब आप समझ सकते हैं कि ये नाश्ता कितना हेल्दी और टेस्टी है। तो मैंने सब्जियों में लिया है प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और स्वीट कॉर्न, और साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये टमेटो केचप भी डालेंगे ताकि सब्जियां हमें फीकी ना लगे और ये अच्छे से पककर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब जैसे जैसे ये पक रहा है, साइड के किनारे आप देखिए किस तरीके से ये छोड़ने लगा है, और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पिज्ज़ा सीजनिंग भी डाली है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए जैसे जैसे चीज़ मेल्ट हो रही है कितनी ज़बरदस्त इसकी साउंड इसका जो आ रहा है, साथ ही सब्जियाँ भी थोड़ी सॉफ्ट होने लगी है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारा बनता है। दोस्तों जब आप इस नाश्ते को एक बार बनाएंगे ना, आप बार बार बनाने की सोचेंगे, क्योंकि ये बहुत ही फटाफट बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और सुबह के भागदौड़ में चुटकी बजाए उतने जल्दी बनकर तैयार होता है। ये देखिए हमने पहला डोसा बना लिया है। दूसरा डोसा बनाते वक्त भी आपको तवे पर पानी के छींटे डालकर इसे पोंछ कर धीमी आँच करके आपको डोसा फैलाना है, और फिर से आपको इसी तरीके से सारा प्रोसेस करना है जो हमने अभी आपको दिखाया है। इसी तरीके से हमने ये डोसा बना लिया है। अब ये कितना क्रिस्पी और करारा है ये भी देख लीजिए। तो दोस्तों इसके ऊपर की शाइन आप क्लियरली देख सकते हैं, इसका मतलब ये डोसा बहुत ही क्रिस्पी बना है और अंदर की जो स्टफिंग है वो इतनी चटपटी है कि आपको ना ही चटनी बनानी है, ना ही सांभर बनानी है और ना ही आलू का मसाला। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है दोस्तों। दोस्तों अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे 2000 लाइक तक तो ज़रूर पहुंचाइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।